आज हम लोग एक फ्लावर का तस्वीर बनाने जा रहे हैं। वो जो फ्लावर जो पहले बनाएंगे बच्चों के लिए है, फॉर क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए। और ये जो बच्चे हमारे फ्लावर बनाएंगे, पहले एक सर्कल देंगे, एक छोटा सर्कल, देन आफ्टर उसके बाद एक बड़ा सर्कल। ये जो दोनों सर्कल होगा ये हमारे सेंटर से होगा। ये जो हमारा दोनों सर्कल होगा ये हमारा सेंटर से, एक ही सेंटर से होगा। और इन सेंटरों के बाद ये जब हमारा हो जाता है तो बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। ये एक डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर और पेंसिल की हेल्प से दो सर्कल बनाएंगे। देन आफ्टर जब ये हमारा जब बन जाएगा तो हम स्केल की मदद से, स्केल के हेल्प से बच्चे इस तरह से एक डॉटेड लाइन, एकदम हल्की सी पेंसिल पकड़ के हल्की सी लाइन एक देंगे। उसी प्रकार से देन दूसरी तरफ से एक प्लस के आकार में दूसरी लाइन देंगे। ये देख सकते हैं कि एक प्लस का आकार बन गया। उसी प्रकार इन दोनों के बीच से एक क्रॉस आकार भी देना है, मतलब क्रॉस शेप देना है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। ये क्रॉस शेप देने के बाद ये जो हमारा बन गया है कंप्लीट, इसमें फ्लावर हमें बनाना है। अब जो हमने देखने जा रहे हैं, ये जो छोटे वाले सर्कल पर हर दोनों लाइन के बीच में एक मिडिल डॉट दे देना, ताकि हम यहाँ से फ्लावर की जो पत्तियाँ हम बनाएं वो एग्जैक्ट हमारा वो कॉर्नर तक, यानी सर्कल के पॉइंट और इस लाइन के पॉइंट तक पहुँच पाए। इसी तरीका से सभी साइड से एक एक पत्तियाँ दे देना है, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। और फ्लावर की जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जो काफ़ी रंगीन कलरफुल, और जीवन में भी फ्लावर जो है कलर, हमारे जीवन में फ्लावर बहुत सारा जीवन में कलर भरती है। तो इसलिए जैसे हम बच्चे हमारे फूल होते हैं, उसी प्रकार हम ये फूल को उसी प्रकार सुंदरता और उसकी अलग रूप में, फ्लावर तो कई फ्लावर के रूप अलग अलग होते हैं, और उसी प्रकार बच्चे की तरह एक सुंदर रूप देंगे। और ये फ्लावर जो है हमने बनाया, और बच्चे भी इसी प्रकार धीरे धीरे हर लीफ को अलग अलग आकार देंगे, अलग अलग आकार नहीं, सेम आकार। लीफ के बीच में जो छोटा छोटा सा एक एग्जैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ लीफ, मतलब ये फूल की जो पत्तियां हैं जो काफ़ी सुंदर लगे, इसको बीचों बीच भर देना है ताकि अच्छा लगे। और फूल तो पता है, बिना रंगों के फूल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बिना रंगों के कहा जाता है, बिना रंगों के फूल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन पत्तियों को हम अंत में कलर करेंगे। बेटा क्रियॉन कलर है तो दीजिएगा, क्रियॉन कलर किसी के पास है, मोम कलर या फिर कोई भी कलर हो तो दीजिएगा। ये हम जैसा कि हम इसे बना रहे, और इसके बाद जो हम इन पेंसिलों का जो वर्क करने के बाद, पेंसिल का वर्क करने के बाद ये हम पेन का यूज कर रहे हैं, ताकि इसके रंग और आकार को हम दे सके, कंप्लीट देख सके, और बच्चे भी इसे बनाएं। और आज का जो वर्क है, आज डेट 22/9/2022, और इस डेट को हमारे क्लास प्रभात इंटरनेशनल स्कूल क्लास 1-2 के बच्चे इसको डील करेंगे, घर पे जाएंगे देखेंगे और इसी प्रकार वो बनाएंगे, घर पे जाकर बनाने की कोशिश करेंगे। और हम आशा करते हैं कि बच्चे जो है काफ़ी सुंदर बनाएंगे। और पेज घुमा घुमा के भी आप बना सकते हो बेटा, ड्राइंग कॉपी को घुमा घुमा के भी आप बना सकते हो, और अच्छे से बनाना। और हाथ की क्रूसी को अच्छा से रखना, हाथ को अच्छा से पकड़ के रखना, पेज को घुमा घुमा के अच्छे से बनाना। और बच्चे जो हैं, हम मैं जानता हूँ, मुझसे भी बेहतर और मुझसे भी अच्छा बनाएंगे, ये मेरा आशा ही नहीं, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा सुंदर बनेंगे। मैं तो ऐसे ड्राइंग करता नहीं हूँ, ऐसे आज बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ। क्या बेटा ड्राइंग करते हैं? Yes. हम करते हैं ड्राइंग? Yes.
अच्छा, अरे यार ऐसे में तो फंसा दोगे तुम लोग। ये हमारा ड्राइंग इस प्रकार से फ्लावर हुआ कंप्लीट, और जैसे भी देखना है तो इन पत्तियों के बाद एक छोटा सा लाइन चारों तरफ से इस तरह से दे देना है ताकि लगे कि फ्लावर हमारा कंप्लीट। अलग अलग पत्तियों में, फ्लावर में जो कभी कभी रेशे आती हैं वो रेशे इस प्रकार से हैं। बेटा इरेजर चाहिए था, थैंक यू। तो अब इसको हम जितने भी पेंसिल का वर्क किए हैं इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं। जैसा कि आप देखिएगा पेंसिल का वर्क को हमने मिटा दिया, अब ऐसा लग रहा है कि ये फ्लावर सिर्फ पेन से बनाया गया है, राइट बेटा? राइट, ये फ्लावर जो है ऐसा लग रहा है कि पेन से बनाया गया है। अंत में फ्लावर को पकड़ेंगे किस चीज़ से, तो ये जो फ्लावर का जो पार्ट होगा, ये पकड़ने वाला पार्ट, इसको जिसे हम लोग डंटल या डंटी कहते हैं, उसमें ये फ्लावर का एक पत्ती को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये फूल का डंटल हो गया और इसमें हमारी एक पत्ती हो गई, और हरा भरा जीवन, सुखी संपन्न जीवन, इसीलिए फूल है तो पत्तियाँ दे देना है, कोशिश करना है। पत्ते दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले फ्लावर बनाना है उसके बाद पत्ती बनाना है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। फ्लावर को कई रंगों का होता है, तो इसे हम लोग कलर से, इसको इस तरह से पीला है तो पीला से फिल कर सकते हैं, जो भी हो। और अंदर में कुछ डार्क कुछ कलर होता है, अंदर का जो कलर होता है फ्लावर में डार्क होता है, तो इस कलर को हम लोग डार्क कलर जो भी करेंगे डार्क करेंगे। और इस जो बच्चे की जो क्रियोन कलर है काफ़ी, हम मुझे लगता है काफ़ी पुराना है और इसे अच्छे ढंग से उन बच्चे ने रखा नहीं है, इसीलिए इस पर हल्का हल्का ब्लैकिश भी आ रहा है। ब्लैकिश इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लैक कलर के साथ इसने बच्चे ने रखा होगा, ये जो ब्लैक शाइनिंग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आ रहा है। और ये जो हमारा बाहर का जो आउटर लाइन होगा इसे काफ़ी अच्छा से एकदम गहराई से एकदम बेहतर ढंग से इसको येलो येलो कलर से, येलो लीफ यानी फूल की लीफ, इस तरीका से हम आप कर सकते हैं। और ये जो काम है फ्लावर बनाना चाहे ड्राइंग बनाना जो भी है, इसको आसानी से आराम से बनाना है, तो धीरे धीरे बनाना है। और जितना आराम से बनाओगे और मन लगा के बनाओगे उतना बेहतर होगा। इस तरह से पत्तियों आपका इसको रंग कलर कर सकते हैं, और देन आफ्टर लास्ट में इसे ग्रीन से, लीफ को ग्रीन से, क्योंकि हमारी पत्तियां जो होती है हरी होती है, ऊपर वाली पत्तियां कम ग्रीन होती है, नीचे वाली पत्तियां ज़्यादा ग्रीन होती है, इस बात का ख्याल आप रखते देखते होंगे, पौधे में देखते होंगे नई पत्तियां आती है तो कम ग्रीन होती है। और छोटी सी ये जो हमारी ये जो पंपिंग्स जिसको कह सकते हैं पकड़ने वाला डंटा, जिसे कह सकते हैं डंटा कह सकते हैं, फूल पकड़ेंगे किससे, तो ये हो गया हमारा। इसी प्रकार हम पूरे फ्लावर को कलर करके और अपनी एक नई आर्ट हम बच्चों के लिए, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे फ्लावर चाहे अच्छी जीवन में कोई तस्वीर, और इसी प्रकार अपन जीवन अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सिर्फ ड्राइंग के प्रति नहीं, कला जो है किसी चीज़ में कम ना होना नहीं चाहिए। कला जो है जीवन में किसी भी रूप में आप निखार सकते हैं, अपने कला को खेल के रूप में, पढ़ाई के रूप में, बहुत सारे रूप में। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।